स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अब्दुल मन्नान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दिस इज सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में देखा था फिजिकल चेंज के बारे में, हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसी तरह से केमिकल चेंज की हम डिस्कस करने वाले इन दिस वीडियो में। अ चेंज विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। If you leave the piece of iron in the open of some times or acquire a film of brownish substance, this substance is called rust and this process is called rusting. Means अभी अभी जो हमारा मॉनसून जब चल रहा है, ठीक, कोई भी चीज़ हमारे आयरन वाली जो चीज़ है, अब उसको बाहर रख लो, ठीक है, पानी जब उसके ऊपर गिरेगा या एज इट इज मीन्स आप बाहर की साइड रख रहे हो उसको, तो आफ्टर सम टाइम्स आप उसको देखोगे तो जो हमारा जो आयरन वाली जो चीज़ रखी हुई थी, ठीक है, तो वो देखोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर किस टाइप का दिखाई देगा आपको, ब्राउन दिखाई देगा। तो हम उसको हम क्या बोलते, काट लगने की जो चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। अब जो हमारा जो आयरन है रस्टिंग होने के बाद, अब उसकी जो स्ट्रांगनेस थी वो पूरी हमारी बिखर जाएगी। अब जितना स्ट्रांग था उससे क्या हो जाएगा, वो वहाँ से वो इतना स्ट्रांगनेस नहीं रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या है, वेरी बैड है, बहुत अच्छे न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए अब यूजलेस हो जाएगा। जितना टाइम आप बाहर रखोगे तब क्या होगा, रस्टिंग होने के बाद ब्राउनिश कलर होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, ये चीज़ हम देखते हैं। तो आयरन गेट पार्क और फार्म लैंड आयरन बेंचेस कैप इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन कैप इन ओपन गेट रस्ट एट होम। यू मस्ट हैव बी सीन shovels and spades getting rusting with the exposed to the atmosphere for some times in the kitchen when iron pan tawa often get the rusting if left in state of some times. Rust is not iron, it is a different from the iron on which is get deposit. ठीक है, तो ये जो हम मतलब हमारे जो होम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी समटाइम्स आप बाहर रख लो, या जो हमारे फार्मिंग के जो हमारे सब्सटेंस जो है, जैसे कि सॉवल एंड स्पेड्स मीन्स कुहाड़ी जो हम उसको बोलते हैं वो, या हथौड़ी जो है हम उसको बोलते हैं वो भी आप बाहर रख लो, या कोई भी चीज़ जो गार्डन में चीज़ हमारे जो बेंचेस होती है, ठीक है, आप गार्डन में जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ लॉन्स के लिए हमने कोई चीज़ खड़ी की हुई है आयरन वाली, तो आप सब उसको ऑब्जर्व करोगे तब एज इट इज़, मतलब उस पर पेंट नहीं करना है, विदाउट पेंट आप उसको एज इट इज़ रखोगे बाहर, तो आफ्टर सम टाइम्स आपको क्या दिखाई देगा, वो ब्राउनिश कलर में दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इमेज में दिखा हुआ काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, तो आपने ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब उस पर रस्ट लग गया है, जंक लग गया है, ठीक है। अब वो जो रस्टिंग जो है वो, यहाँ पर एक को क्लैरिफाई कर दूँ कि जो आपका रस्टिंग जो है वो क्या है, हमारा आयरन से डिफरेंट है, वो पाउडर जो फॉर्म है वो पूरा क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो प्रोसेस हुई हमारी क्या, केमिकल प्रोसेस हुई। तो एक चीज़ हमें केमिकल प्रोसेस में से मुझे सीखने को मिली, केमिकल प्रोसेस जब होगी तो हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा, मतलब नया सब्सटेंस मिलेगा। जो रस्ट है वो आयरन जैसा नहीं है, उससे डिफरेंट है। तो डिफरेंट है मतलब आयरन तो चला गया, आयरन कहाँ पर चला गया, वो तो पूरा डिफरेंट हो गया अब रस्टिंग होने के बाद। तो ये मुझे क्या पता चला कि यहाँ पर हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा, रस्टिंग भी होगा और नया सब्सटेंस, पहले वाला वो निकल जाएगा जी, पर फिजिक्स कल में हमने देखा था कि जो ओल्ड सब्सटेंस है वही रहेगा, न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वी न्यू वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब ये जो एक्टिविटी करने वाले हो उसके अंदर हमें टीचर्स की एडवाइस लेकर और टीचर्स के निगरानी में करना है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर उसमें ही करेंगे, हमारे स्कूल के अंदर जो मैग्नीशियम की रिबिन जो होगी हम ये कर सकते हैं। Get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium. Clean the tip with the sandpaper. Bring the near the candle flame. It is burned with the brilliant white light. When it is completely burned in leave behind the powder is ash. Does ash look like the magnesium ribbon? मीन्स यहाँ पर हमने क्या, एक रिबिन है, जैसे हम रिबिन की जो पट्टी जो बोलते हैं ना, ऐसे एक रिबिन की पट्टी है, उसको हमें क्या करना है, पहले तो उस पर से हमें जंक निकालना है, मतलब उसको सैंड पेपर से उसको क्या करना है, वहाँ से जंक निकालना है, मतलब उस पर से ऐसे घिस कर निकालना है। अब उसको क्या करना है, अब उसको आप हीट करोगे,
तो आपको पता है कि जब हीट कोई भी चीज़ करते तो कौन सी फ्लेम होती है, हमारी येलो होगी, रेड होगी। पर जब मैग्नीशियम की आप स्टीक को, मैग्नीशियम रिबिन को जब हीट करोगे तो वाइट लाइट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? वाइट लाइट। कौन सा? को वाइट। अब नॉर्मली हमारे येलो होता है, रेड होता है, हम हमारे होम में देखते हैं कोई भी चीज़ बर्न करते तो क्या रेड या येलो या इस कलर का होता है, बट वाइट तो कभी होता है नहीं। बट यहाँ पर मैग्नीशियम की रिबिन को जब आप हीट कर रहे हो तो वाइट लाइट, काफ़ी सारी वाइट लाइट में वो क्या होगा, बर्न होगा। अब बर्न होगा तो ऑब्वियसली अब उसकी बर्न हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या रहती है, एस रहती है। तो एस जो है वो रिबिन और दोनों एस दोनों सेम टू सेम है? नो, ये तो रिबिन थी, ये तो हार्ड मटेरियल था, ये तो सॉफ्ट हो गया। तो अब ये जो हमारा एस जो मिला है, एस को हमें क्या करना है, अब उसको चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हमने जब इसको हीट किया, आपको पता है कि चीज़ और आप पढ़ चुके हो कि जब हीट हम कर रहे हैं तो हीट जब होगा कब होगा कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही होगी तभी हमारा क्या होगा, हीट होगा। जब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर आ गया तो हमारा हीट वहाँ पर नहीं होगा। हमने एक एक्टिविटी कर चुके हैं कि भाई जैसे कैंडल है, आपको ये एक्टिविटी करना तो करना, कैंडल को बर्न करना है, उसके बाद हमें क्या करना, ऊपर एक उल्टा ग्लास रख देना है, कांच का ग्लास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो कैंडल बर्न है थोड़े टाइम तक जब वो हीट होगी, बट ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। क्यों? कि जब तक ये ग्लास के अंदर हमारा ऑक्सीजन था तब तक वो बर्न हो रहा था, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही खलास हो गई यहाँ पर वो बर्न होना बंद हो गया। तो यहाँ पर जब उसको केमिकली प्रेजेंटेज करें, उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हम उसको क्या करें, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो इस टाइम से होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम Mg के, ये सब चीज़ पढ़ोगे आप 9th 10th में, आपको काफ़ी सारी डिटेल में आने वाली है मैग्नीशियम। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे तो उसकी जो सिंबल जो है, उसका सिंबल का फर्स्ट नेम कैपिटल होगा मैग्नीशियम और जी। काफ़ी सारे हमारे एलिमेंट्स आने वाले, 118 एलिमेंट आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 12 तक, ठीक है, तभी आपको ये ध्यान रखना है। सिर्फ मैग्नीशियम को ऐसे रिटर्न कर दे, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O2, ठीक है। मैग्नीशियम की जो रिबिन थी किसकी प्रेजेंस में हुई, टू हुआ ऑक्सीजन की, और उसकी जब एस जो मिली वो मुझे क्या मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों क्या हुआ, मिलकर मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों का क्या मिला, एस के अंदर क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिक्सअप होकर मुझे मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जो चीज़ हमने लिया हुआ है फर्स्ट, जो हमने उसको हमें लेफ्ट साइड रिटर्न करना है, मीन्स मैग्नीशियम की रिबिन थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या, और ये एरो जो है, एरो हमें क्या दिखा रहा है, हमें बिकम्स मीन्स मतलब ये दोनों मिक्स होने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरह से रिटर्न कर दे। आप सोचो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिटर्न करना कितना बड़ा हो, उससे हमें सिंबल फॉर्म में रिटर्न करना वाले इजी है, आप 10th में भी पढ़ोगे। तो एरो क्या इंडिकेटेड कर रहा है, ये बिकम्स मतलब ये दोनों को मिक्सअप कर हीट कर वो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। अब उसकी जो एस है उसको हमें क्या करना है, वाटर के अंदर हमें उसको मिक्स करना है। वाटर के अंदर मिक्स करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एक्वेनस सॉल्यूशन आप पढ़ोगे, एक्वेनस सॉल्यूशन मीन्स जो भी सब्सटेंस है उसका वाटर के साथ मिक्स करोगे, वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेनस सॉल्यूशन बोलेंगे। ये प्योर नहीं है, वाटर के साथ मिक्स है। जिस तरह से आप एक एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, तो एसिड, मम्मी एसिड लेकर आती है मार्केट से, ठीक है, तो एसिड कितना हमारा स्ट्रांग होता है, बट उसको आप जब हमारे होम के लिए यूज़ करना, हम क्या करते हैं उसको हम वाटर के साथ मिक्स कर दें, वाटर काफ़ी सारा लेंगे और थोड़ा बहुत ही हम एसिड डालेंगे। अब जो वो सॉल्यूशन हुआ वो हमारे क्या, एक्वेनस सॉल्यूशन मतलब ये पानी से मिला हुआ है। अब पानी से भी मिला हुआ है तो उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो चली गई, गलती से जो हमारा बॉटल जो हमारे बॉडी पर गिर जाए, जो बाहर से परचेज स्ट्रांग है तो हमारे बॉडी को डैमेज होगा, बट उसको एक्वेनस सॉल्यूशन मतलब पानी के सॉल्यूशन के साथ डिसोल्व कर आपको गलती से आपके पास गिर गया तो आपको डैमेज होगा बट क्या सब लो होगा। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ ये हमारा एक्वेनस सॉल्यूशन। अब उसको हमें क्या करना है, लिटमस पेपर से चेक करना है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। तब देखोगे तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर से आप देखोगे तो आपको एक चेंजेस दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, ये जब हमारा वाटर उसके साथ डिजोल्व हो रहा है पानी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बेस बनाएगा। बेस बनाएगा मतलब रेड लिटमस पेपर हमारे क्या होगा, ब्लू हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। तो मीन्स आपको क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था, क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एस जो थी एस को मैंने वाटर के साथ मिक्सअप किया तो हमें क्या न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से रिटर्न करें MgOH2। ये सब चीज़ याद रखना है, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप देखो, ये हमारे पास मैग्नीशियम की रिबिन थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला,
उसके बाद वापस हमने वाटर में ऐड किया था, आपको न्यू सब्सटेंस मिला, कितना मिला न्यू, अब मैग्नीशियम भी नहीं है और वो वाटर भी नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थी, ये क्या हमारा बेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिजिक केमिकल चेंज, ये जो चेंजेस हुआ हमारे क्या बोलेंगे केमिकल चेंज, और न्यू सब्सटेंस आपको मिला हुआ है, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई इन केमिकल चेंजेस के अंदर आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा, फिर सब्सटेंस हमारा चला जाएगा। इसी तरह से आपको एक्टिविटी 6.7 भी है, 6.7 के अंदर आपको डिजोल अबाउट टी स्पूंस ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का आपको क्या लेना है, एक पाउडर लेना है, एक टी स्पून, उसको आपको एक बीकर के अंदर डिजोल्व करना है। डिजोल्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर्स आपको इस तरह से दिखाई देगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमें क्या करना है सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड अब ऐड करोगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो ब्लेड जो होती है, ब्लेड जो हम जो यूज़ करना है, ये ब्लेड आपको ये सॉल्यूशन पहले एक बीकर के अंदर जो हमने बनाया हुआ है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा बहुत हम ले लो, हमें लास्टली पता चले। अब ये सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करना है, ये ब्लेड हमें डालना है, ब्लेड डालोगे तो आफ्टर 30 मिनट आफ्टर 40 मिनट्स आपको ये ब्लेड्स जो है उस पर जो कलर, जो ब्लेड का जो हमारा वाइटनेस जो कलर था वो आपको ब्राउन नहीं दिखाई देगा, और ये जो सॉल्यूशन था आप देखो ब्लू था, अब कौन सा हो रहा है, ग्रीन हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। तो ग्रीन सॉल्यूशन क्यों हो रहा है, और ये जो हमारा ब्लेड था, ब्लेड पर आपका कलर चेंजेस, आपको ब्राउनेस आपको कलर्स आपको दिखाई देंगे। तो कॉपर सल्फेट के अंदर ये सॉल्यूशन के अंदर हमने जब आयरन जब डाला तो उसके अंदर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, क्या हुआ रिएक्शन, और ये जो हमारा ग्रीन सब्सटेंस जो बना रहा है वो क्या है, ग्रीन सॉल्यूशन आयरन सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, आयरन प्लस हमारा जो कॉपर सल्फेट था उसमें से सल्फर और आयरन दोनों मिक्स होकर आयरन सल्फेट हमारा बनाएगा, और कॉपर सल्फेट था तो कॉपर तो चला गया, सल्फेट के साथ किसने मिक्स किया, आयरन ने, तो आयरन सल्फेट हो गया। तो कॉपर जो है वो कहाँ पर दिखाई देगा आपको, ये सॉल्यूशंस के डाउन साइड में आपको बॉटम में दिखाई देगा, अदरवाइज आपको ब्लेड के ऊपर दिखाई देगा, इसलिए आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसलिए आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो केमिकल चेंजेस हो रहा है, आपको इस तरह से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया था, वो कौन सा कलर का था, हमारा ब्लू कलर, उसके अंदर हमने क्या डाला, आयरन डाला, तो आयरन डालने के बाद आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिला, आयरन प्लस सल्फेट, क्या मिला, आयरन प्लस सल्फेट, आयरन प्लस सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा, वो आपको ग्रीन सॉल्यूशन है, और आपको ये बचा क्या, कॉपर, कॉपर जो है आपको ब्राउन डिपॉजिट मींस उस पर आपको डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मींस जो हमारे ब्लेड जो है उस पर दिखाई देंगे, आप उसको ज़्यादा टाइम रखोगे तो ये जो ब्लेड है वो पूरा ब्राउन होकर वो पाउडर फॉर्म में आपको दिखाई देगा, मींस अब ब्लेड नहीं रहेगा, वो डिफरेंट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने केमिकली प्रोसेस किया था, आपको न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस आपको कॉपर, पहले हमारे पास कॉपर और सल्फेट मिक्स था, आयरन डिफरेंट, अब आयरन सल्फेट मिक्स हो गया और कॉपर, ये सब चीज़ क्यों हो रही है, आप चीज़ पढ़ोगे 9th 10th 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ अभी केमिकल्स फार्मूला जो आ रहे हैं वो रिटर्न करने और आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। अब जो आगे जो डिस्कशन जो है हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा, इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।